नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अनु कपूर और आप सब महानुभावों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज 24 दिसंबर है, आज महान मोहम्मद रफ़ी का जन्मदिन है। आज का ये शो हम समर्पित करते हैं रफ़ी साहब को और सुनेंगे रफ़ी साहब के बेहतरीन नगमे और उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 30 जुलाई 1980 की लेट इवनिंग, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जे ओम प्रकाश के फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग। एक गाना रिकॉर्ड कर चुके थे, सीढ़ियों से नीचे उतरे, चार लाइनें बाकी थी, नीचे उतर के गाड़ी में बैठ गए, फिर ऊपर आए और जे ओम प्रकाश जी से बोले, जे ओम जी, चार लाइनें तो बाकी हैं, कल के लिए क्यों पेंडिंग रखूं, आज ही कंप्लीट कर देता हूं। एलपी का म्यूजिक, आनंद बख्शी के बोल, फिल्म आसपास। महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। ये चार लाइनें डब की, नीचे आके गाड़ी में बैठे और घर चले गए। 30 जुलाई की रात को ही दिल का दौरा पड़ा और हिंदी फिल्म संगीत का अनमोल रत्न इस दुनिया से अपना काम पूरा करके उस दुनिया में चला गया। उस अनमोल रत्न का नाम मोहम्मद रफी। जोरदार तालियां रफी। मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, रफी साहब ने कहा था, और यह भी कहा था कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहेगा। रफी साहब चले गए और अपने पीछे छोड़ गए उठता हुआ यादों का गुबार। उनको चाहने वाला हर इंसान यादों के उस गुबार में उन्हें ढूंढ रहा है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक उसे ढूंढता ही रहेगा। तेरे बाद आया मोहम्मद रफी, तू बहुत याद आया। रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह नाम के गांव में हुआ था, पंजाब के पास एक छोटा सा गांव है। 6 भाइयों में सबसे छोटे मोहम्मद रफी। रफी साहब को गाने की इंस्पिरेशन मिली एक फकीर से। एक फकीर उनके मोहल्ले से गुजरता था, मस्त गाना गाता हुआ, पाघा वालियों नाम जपो मौला नाम, ऐसा ही कुछ होता होगा। जमाना अलग था, 1924 का अनडिवाइडेड इंडिया। पागा वालियों नाम जपो मौला नाम, नाम मौला नाम जपो मौला नाम, इस तरह से गलियों और कूचों में फ़कीर कुछ मौसीकी गुनगुनाते हुए निकलते थे। और ये छोटा बालक रफ़ी उस फ़कीर के पीछे पीछे चलने लगता था गाना सुनने के लिए, और चलते चलते ही उस फ़कीर के गाए हुए कुछ कलाम मौसीकी और मौसीकी के कुछ सुर इस बच्चे मोहम्मद रफ़ी के कानों में मिस्री सी खोल गए। ये कानों में उतरी हुई शीरी इसके गले में भी झलकने लगी। समय बीता और उसके कुछ दिन के बाद पिता वालिद साहब लाहौर शिफ्ट हो गए, वहां उन्होंने एक हज्जाम नाई की दुकान खोल ली। बालक रफ़ी फ़कीर से जो तबरुक मिला था, जो प्रसाद मिला था, जो अब धीरे धीरे गले में झलकने लगा, इस गले में झलकते हुए हुनर को पहचाना इनके भाई के एक दोस्त अब्दुल हमीद ने, जो बाद में इनके ब्रदर इन लॉ भी बन गए। रफ़ी साहब की फैमिली को समझाने और इनको बम्बई तक पहुंचाने में अब्दुल हमीद साहब का बहुत बड़ा हाथ। रफ़ी साहब को स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका भी बड़े ड्रामेटिक तरीके से मिला। हुआ ये कि एक बार लाहौर में महान गायक केएल सहगल साहब का शो था,
अचानक साहब लाइट गुल हो गई, तो अब लाइट गुल हो गई तो स्टार केएल सहगल साहब अपीयर कैसे करेंगे? जनता शोर मचाने लगी। अब जब रफी साहब के भाई थे, उन्होंने कहा भाई किसी तरह से जनता का मन तो बहलाना है, तो ऑर्गेनाइजर के पास गए कि साडा छोटा भरा है, ओ जनता दा मन बहला लेगा, है जी दिल बहला लेगा, उन्हें गाने का मौका भी दो। ऑर्गेनाइजर ने बात सुनी और बालक मोहम्मद रफी को गाने का मौका दिया। जैसे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, भाई सुपरस्टार नहीं है तो थोड़ा सा कोई है आके मनोरंजन कर दे। इस तरह से, इस ड्रामेटिक तरीके से बालक मोहम्मद रफी को पहली बार स्टेज पे गाने का मौका मिला। और जब बालक मोहम्मद रफी ने गाया था, जो उस फकीर से तबर्रुक मिला था, गले से जो शीरी आवाज निकली, जो मखमली आवाज निकली, तो मोहम्मद रफी छा गए। इसी फंक्शन में हिंदी फिल्मों के एक म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर भी मौजूद थे। उन्होंने भी रफी को सुना और इनविटेशन दे डाला बॉम्बे आने का। रफी साहब के बारे में चर्चा जारी रहेगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।